अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर अक्टूबर को प्रेरणा वृद्ध आश्रम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रेरणा वृद्धाश्रम पर श्री गणराज सेवा समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 8 बजे वृद्धजनों को योग प्राणायाम कराया गया। इसके बाद वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत वृद्धजनों को स्वल्पाहार कराने के बाद प्रेरणा वृद्ध आश्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों को शौर्य श्रीफल के साथ ही 1100 रूपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वृद्धजनों का स्वागत पुष्पाहार के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट, नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग, पूर्व विधायक दुर्गा लाल विजय, भाजपा कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया ने पुष्पाहार पहनाकर वृद्धजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संचालक बाल मुकुंद शर्मा ने कार्यक्रम के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा वृद्ध आश्रम के सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने किया। वहीं आभार प्रेरणा आश्रम के मैनेजर मनोज वैष्णव के द्वारा किया गया। सहभोज के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। राज देने के बाद भी भरत जी ने अपने केवल और केवल राम जी की पगड़ियों को रखकर राज शासन चलाया, तो क्या हमारा मानव समाज, हमारा भारतीय समाज का इतना संवेदनशील हो गया? क्या हम आज इतने विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो गए कि हम हमारे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख सकते? हम सबको बहुत विचार करना चाहिए। सम्मानित कलेक्टर साहब हमारे बीच में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को कि जब भी कलेक्टर साहब आए बुजुर्गों के बीच में उनके सम्मान के लिए या उनके मनोरंजन को लेकर